आज की कहानी में हमें एक ऐसे लड़के के बारे में बताया जाता है जिसके पास उसके जन्म से ही गॉड लाइक एसएस रैंक पावर है, जिन्हें कंट्रोल करना उसके भी बस के बाहर था। अगर वो अपनी इन पावर को कंट्रोल कर ले तो सारी इंसानियत के लिए ये वरदान साबित हो सकता था, वरना एक ऐसा श्राप जिसे रोकना और किसी के बस की बात नहीं थी। ये बात है सन 4386 डी की, जहाँ दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है और इंसानों के लिए कुछ भी कर पाना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हर तरफ हरियाली एंड खुशहाली छाई हुई है, लेकिन ये सब एक तूफान से पहले होने वाले शांति की तरह था। एक ऐसे ही दिन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आसमान में कहीं से अचानक से एक बड़ा सा जाइंट फ्रॉग मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, जो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जिसे रोकने के लिए काफी सारे रॉयल गार्ड अपनी पूरी जी जान के साथ उससे लड़ रहे थे, लेकिन उस फ्रॉग पर उसके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। यहीं पर हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम है वांगलिंग, और ये वही लड़का है जिस पर आगे चलकर हमारी कहानी डिपेंड करेगी। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है जो इन सभी मुश्किलों से अनजान आराम से बैठ के अपने चिप्स के मजे ले रहा है। चिप्स खाते खाते वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अभी रॉयल गार्ड्स की मॉन्स्टर के साथ फाइट चल रही थी। वांगलिंग को भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो नाम का एक रॉयल गार्ड देखता है कि उस मॉन्स्टर का नेक्स्ट अटैक उस बच्चे की तरफ होने वाला है, इसीलिए वो उसे अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्चे को बचाता है और वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर उससे छुपने के लिए कहता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिससे वांगलिंग बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता और उस रॉयल गार्ड को अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों के बाद एक स्कूल में, जहाँ पर उसी हीरो जाओ की एक मूर्ति को उसके सम्मान में वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि उसने ही सालों पहले उस फ्रॉग मॉन्स्टर को हराया था। उसकी बहादुरी के किस्से सालों से बच्चों को बताए जा रहे हैं और न्यू जनरेशन के लिए वो एक रोल मॉडल से कम नहीं है। वांगलिंग भी इस स्कूल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। जहाँ सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने आने वाले फ्यूचर और स्कूल लाइफ के लिए एक्साइटेड हैं, वहाँ ये लड़का अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बस स्कूल के अंदर चले जा रहा है। वहाँ एंटर करते हुए वांगलिंग को उसी स्कूल के दो सीनियर मिलते हैं जो उसकी रैगिंग करने लगते हैं, लेकिन उसके जीरो एक्सप्रेशन से वो दोनों खुद ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही एक सीनियर वांगलिंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तभी कोई अपने फायर मैजिक से उन दोनों सीनियर पर अटैक करती है। पूरे स्कूल का ध्यान इसी बात पर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को जिसका नाम सुन रॉन्ग है, और वो भी एक फर्स्ट ईयर की लड़की थी, लेकिन उसकी फैमिली रेपुटेशन की वजह से पूरे स्कूल में पहले से ही काफी फेमस है। वो दोनों सीनियर भी उससे काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन फिलहाल वो उसके साथ किसी भी फाइट में पड़ के खुद को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए वो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर सुन रॉन्ग वांगलिंग के सामने आती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे वो अपना इंट्रो देती है, मगर हमारा हीरो भी एक सिग्मा मेल है, इसलिए वो उस लड़की से हैंडशेक को इग्नोर करते हुए उसे एक 10 एन का नोट देता है उसकी हेल्प करने के लिए और वहां से जाने लगता है। सुन रॉन्ग के साथ पूरा स्कूल भी ये देखकर शॉक था कि ये कौन सा लड़का है जिसने सुन रॉन्ग की फ्रेंडशिप को इग्नोर कर दिया। हालांकि वांगलिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर के बाद सभी स्टूडेंट एक एकेडमी के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर उसी लेजेंडरी हीरो जी के एक प्रोग्राम के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि अब उन सभी का यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी टेस्ट होगा। इस टेस्ट के लिए उन्हें स्टेडियम के अंदर एक एक करके आना है, जहाँ पर उसी फ्रॉग मॉन्स्टर का प्रोटोटाइप है जिसे सालों पहले सील कर दिया गया था, लेकिन अब उसके इस प्रोटोटाइप का यूज नए स्टूडेंट्स की स्पिरिट एनर्जी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेने के बाद सभी स्टूडेंट बारी बारी से अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी अपनी स्पिरिट एनर्जी का लेवल पता चलता है। आखिरी में सिर्फ दो ही स्टूडेंट बचते हैं, जिसमें से एक था वांगलिंग और एक थी सुन रॉन्ग। पहले सुन रॉन्ग अंदर जाती है, इसका स्कोर देखकर सभी को लगता है कि ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर होगा, लेकिन जब बारी आती है वांगलिंग की तो उसका ऑरा और प्रेजेंस सभी को महसूस हो जाती है। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी का सिर्फ कुछ ही पार्ट यूज करके उस फ्रॉग पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इतना खतरनाक और जबरदस्त था कि उसके लेवल का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन था। उसका ये कारनामा सभी के होश उड़ा देता है और वो इस तरह से बाहर आता है जैसे उसके लिए ये सब बस एक मामूली बात हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पैम नाम की एक टीचर की क्लास चल रही थी जो सभी को स्पिरिट समनिंग की क्लास ले रही थी। पैम की क्लास के बाद वो सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने अपने स्पिरिट एनर्जी के हिसाब से किसी एक स्पिरिट को समन करना था। यहाँ पर सुन रॉन्ग एक स्केलेटन को समन करती है, जिससे पैम काफी इम्प्रेस थी, मगर वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग मजाक मजाक में वहाँ एक फ्रॉग मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जिसे देखकर तो खुद पैम के भी होश उड़ जाते हैं। असल में उसकी ताकत और शक्तियों का अंदाजा तो खुद वांगलिंग को भी नहीं था।
अब यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पर वांगलिंग का जन्म हुआ था। उसके जन्म के वक्त ऑपरेशन रूम में काफी भयानक ब्लास्ट हुआ था, जिसे सुनकर वांगलिंग के फादर मिस्टर वॉन्ड वहाँ पर भागे भागे आते हैं। वहाँ जाकर वो एक नर्स को देखते हैं जो बहुत ही डरी हुई थी। मिस्टर वॉन्ग उस नर्स से अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कुछ भूल नहीं पाती और अपने हाथों से ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा कर रही थी। और वो जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उनके खुद के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनके सामने उनका न्यू बॉर्न बेबी अपने पैरों पर चल रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था। ये देखकर मिस्टर वॉन्ग को झटका लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ घर वापस आते हैं। मिस्टर वॉन्ड और उनकी वाइफ अपने बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ से परेशान थे। वो खुद ही एक जाने माने स्पिरिट एनर्जी स्पेशलिस्ट थे, इसीलिए उन्हें ये पता करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि उनका बेटा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये एक फरिश्ता है जिसे खुद भगवान ने उनके पास भेजा है। और कुछ सालों तक वो वांगलिंग की पावर को दुनिया से छुपाए रखते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब संगाई के ऊपर उस जायंट फ्रॉग ने अटैक किया था, तब वांगलिंग की इस ओवर पावर्ड एनर्जी को देखकर मिस्टर वॉन्ग और उनकी वाइफ एक फैसला लेते हैं कि अब वो वांगलिंग की स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक सील का यूज करेंगे। मिस्टर वॉन्ग बस इतना चाहते थे कि उनका बच्चा अपनी आने वाली जिंदगी सुकून से जी सके। वॉन्ग तो बचपन से ही एक जीनियस था, उसे अपने पेरेंट्स के फैसले से कोई दिक्कत नहीं होती और वो उनके डिसीजन की कदर करता है। अगले दिन वांगलिंग जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल हेड के लिए इलेक्शन चल रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए सभी कैंडिडेट स्टूडेंट को अलग अलग तरह के लालच भी दे रहे थे। वो पहले तो इन इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि सुन रॉन्ग ने इलेक्शन जीतने के लिए स्कूल कैंटीन में नूडल्स फ्री कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स कैंटीन से अपनी मर्जी और फ्लेवर के नूडल्स लेके जा सकते हैं, जिसके बदले उन्हें सिर्फ अपना वोट देना होगा। ये देखकर वांगलिंग भी थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, क्योंकि नूडल्स वांगलिंग की कमजोरी थी। कैंटीन के पास पहुंचते ही वॉन्ग देखता है कि पहले तो सभी स्टूडेंट सुन रॉन्ग को वोट देने के खिलाफ थे, क्योंकि वो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी जो सभी स्टूडेंट को खुद के नीचे समझती है। इसी वजह से कोई उसे वोट देने को तैयार नहीं था। मगर यहाँ पर वांगलिंग को तो सिर्फ नूडल्स से मतलब है। वो सबसे आगे जाकर अपने लिए मनपसंद नूडल्स के पैकेट ले लेता है और सुन रॉन्ग के लिए वोट भी कर देता है। वांगलिंग को इस तरह से नूडल्स एंजॉय करता देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स के मन में भी लालच आ जाता है और एक एक करके वो लोग भी नूडल्स लेने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट सुन रॉन्ग को धोखा देने की सोचते हैं। उनका प्लान होता है कि वो फ्री का खाना तो सुन रॉन्ग से ले लेंगे, लेकिन वो वोट उसी को करेंगे जिसे वो करना चाहते हैं। असल में सुन रॉन्ग को इस बात का अंदाजा पहले से था, लेकिन वो बस चाहती थी कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा नूडल्स खरीदे, क्योंकि उसका असली प्लान कुछ और ही था। सभी स्टूडेंट्स के नूडल ले लेने के बाद सुन रॉन्ग सभी स्टूडेंट पर अपना सिडक्शन मैजिक का यूज करती है। इस मैजिक का यूज करने से सारे स्टूडेंट्स अब उसकी वश में आ चुके थे और अब सभी वही करेंगे जैसा वो चाहती है। उसे लगता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वांगलिंग को अपने वश में करना उसके बस की बात ही नहीं है। वांगलिंग को पहले से पता चल जाता है कि सुन रॉन्ग क्या करना चाहती है, लेकिन उसने जानबूझकर इस मामले में खुद को डालने की नहीं सोची। उल्टा सुन रॉन्ग के नूडल के बदले वो उसे अपनी मॉम के द्वारा बनाई गई एक येलो टैबलेट देता है, लेकिन सुन रॉन्ग को बिल्कुल नहीं पता था कि ये टैबलेट किस काम की है, इसीलिए वो इन सब चीजों को इग्नोर करके स्टूडेंट से वोट्स कलेक्ट करने में जुड़ जाती है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर अभी सभी स्टूडेंट सुन रॉन्ग के वश में थे। लेकिन सुन रॉन्ग के मन में अभी सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि उसके इस मैजिक का असर वांगलिंग पर क्यों नहीं हुआ। वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उनकी क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ एक टीचर क्लास में माहौल को देखते हुए अचानक से सभी स्टूडेंट को रहस्यमयी मैजिक द सिडक्शन स्पेल के बारे में पढ़ाने लगती है। सुन रॉन्ग को समझ में आ जाता है कि ये टीचर शायद वो देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आज इस स्पेल के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। वो टीचर बताते हैं कि सिडक्शन स्पेल एक काफी पुराना और रहस्यमयी जादू है, जिसे पुराने टाइम के राजा महाराजा अपनी आर्मी पे यूज करते थे, ताकि उनके सोल्जर राजा की बातों को कभी अनसुना ना कर सके। लेकिन इस स्पेल को पूरा करने की दो कंडीशन है। सबसे पहले तो ये है कि इस स्पेल को कास्ट करने वाले आदमी के पास बाकी लोगों से स्ट्रांग मैजिक और विल पावर होनी चाहिए, और दूसरी ये कि स्पेल कास्ट करने वाले की कोई एक चीज बाकी लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कोई गिफ्ट या कोई भी चीज। सुन रॉन्ग ये सभी चीजें ध्यान से सुनती है। उसे समझ आता है कि वांगलिंग की विल यहाँ सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके पास नूडल लेने के बावजूद भी इस स्पेल का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और वहीं इधर वांगलिंग अपने डेस्क पर बैठे बैठे सुन रॉन्ग को इशारे में बताता है कि जो गोल्डन टैबलेट उसने सुन रॉन्ग को दी है, उसका यूज अपनी मैजिकल पावर को कम करने के लिए किया जाता है। मगर सुन रॉन्ग को लगता है कि वांगलिंग उसको टैबलेट खाने को बोल रहा है,
इसलिए वो उस टैबलेट को खा लेती है और मैजिक पावर में कमी आने से वो कमजोर हो जाती है और उसका स्पेल सभी स्टूडेंट्स के ऊपर से टूट जाता है। क्लास के टीचर बताते हैं कि ये क्लास खत्म हो चुकी है और साथ ही सुनरोंग ये वोटिंग हार चुकी है, लेकिन उसकी चीटिंग वाली बात वो क्लास में किसी को नहीं बताते। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स की टीचर पैम के साथ एक स्पेशल क्लास थी जिसमें सभी को अपने घर से एक भट्टी लानी होती है जिसमें वो सभी को मैजिक आइटम्स बनाना सिखाएगी। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास के लिए काफी एक्साइटेड थे और एक लड़का जिसका नाम चाए चाओ था वो तो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के खानदानी भट्टी उठा लाया था ताकि वो उसे दिखाकर सुनरोंग को इम्प्रेस कर सके। सभी स्टूडेंट स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कार स्कूल के बाहर आती है और एक रेड कारपेट बिछाया जाता है जिसपे से चलते हुए सुनरोंग आती है और वो वांगलिंग के नाम को पुकारती है। वांगलिंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो बिल्कुल हैरान ही हो जाता है क्योंकि सुनरोंग के ऊपर वांगलिंग का सिडक्शन स्पेल एक्टिवेट हो चुका था, इसलिए वो काफी अलग बिहेव कर रही थी। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए वांगलिंग आराम से सुनरोंग के पास जाता है और उसके बालों को पीछे करने के बहाने सिडक्शन स्पेल को कैंसिल कर देता है। वांगलिंग की यह हरकत देखकर सभी स्टूडेंट और बॉडीगार्ड शॉक थे क्योंकि आज तक सुनरोंग को टच तक करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अपने होश में वापस आने के बाद सुनरोंग को रियलाइज होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो काफी ब्लश करती है लेकिन वांगलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ता है। मैजिक स्कूल में टीचर पैम सभी स्टूडेंट्स को मैजिक आइटम बनाने की ट्रेनिंग देती है। वो सभी को सारे इंग्रेडिएंट्स और आइटम बनाने की रेसिपी बता देती है जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आइटम को बनाने में लग जाते हैं। सुनरोंग अपने फादर की फैक्ट्री से उनका सबसे एक्सपेंसिव फर्नेस लाती है और वांगलिंग तो अपने घर का माइक्रोवेव ही ले आता है क्योंकि उसकी फैमिली के पास कोई एंटीक फर्नेस नहीं थी। गुआ हाओ नाम का एक लड़का अपनी फैमिली का सबसे एंटीक और बेसकीमती फर्नेस लाता है जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा हीट का यूज करने से चाए चाओ का खानदानी फर्नेस ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता और डर के मारे क्लास से भाग जाता है, ये सोचकर कि ना जाने अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा। तब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने मैजिक आइटम को फर्नेस में डाल देते हैं और 5 बजे शाम के एक टाइमर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के वहाँ से जाने के बाद एक अनजान मेहमान वहाँ पर आता है जो कि खुद डीमन फ्रॉग था जिसे वांगलिंग ने अपनी पावर का यूज करके डॉग की सेप दे दी थी। इस फ्रॉग का यहाँ पर आने का एक ही मकसद था कि वो गुआ हाओ के खानदानी फर्नेस की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता है। होता कुछ यूं है कि इस वर्ल्ड में पावरफुल बनने के लिए उन्हें अपने से कमजोर या कुछ स्पेशल आइटम्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और ये फर्नेस भी उन्हीं में से एक है। जैसे ही वो डॉग फर्नेस को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में होता है कि तभी वांगलिंग वहाँ पर आ जाता है जो डॉग को ये करते हुए देख लेता है और वो डॉग भी उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांगलिंग उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे सही से सबक सिखाता है। वो उससे उस फर्नेस को ले लेता और उसे साफ करके वापस से क्लास में उसकी जगह पर रखने जा रहा होता है कि तभी गाओ हुआ उसे देख लेता है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि वांगलिंग ने उसके खानदानी फर्नेस को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की। इसके पहले कि वांगलिंग उसे कुछ समझा पाता, वो अपने वाटर गन तानते हुए उसे अपने दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है। वांगलिंग उसे बातें समझाने की कोशिश करता है लेकिन गाओ उसकी एक भी नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ चाओ अभी भी डर के मारे ग्राउंड के चक्कर काट रहा था और सिर्फ यही सोच रहा था कि उसके डैड को जब पता लगेगा कि चाओ ने उनका खानदानी फर्नेस खराब कर दिया है तब वो उनकी क्या हालत करेंगे। भागते हुए चाओ थक जाता और थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ आता है जहां गाओ ने वांगलिंग की तरफ अपनी वाटर गन तान रखी थी। इससे पहले कि चाओ कुछ समझ पाए गाओ वांगलिंग की तरफ वाटर गन से अटैक करता है, लेकिन उसकी गन में वाटर की जगह एक पॉइजनस लिक्विड था। वांगलिंग समझ जाता है कि ये लिक्विड काफी पॉइजनस है, इसलिए वो खुद को डॉज करता है, लेकिन इन सब में वो पूरा लिक्विड चाओ की बॉडी में चला गया था जो वांगलिंग के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। अब चाओ की ये हालत देखकर गुआ हाओ की हालत तो पंक्चर हो जाती है, मगर वो अभी भी इन सभी के लिए वांगलिंग को ही जिम्मेदार बता रहा था क्योंकि उसने उस लिक्विड को डॉज किया। वांगलिंग उससे अभी कोई बहस नहीं करना चाहता था, वो अपने हीलिंग मैजिक से चाओ को ठीक करने जा ही रहा था कि तभी गाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हीलिंग मैजिक का इस पॉइजन पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए पहले उन दोनों को चाओ को किसी सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। वो दोनों मिलकर चाओ को उठाते हैं और उसे लेकर लैब रूम में आते हैं जहाँ चाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो रखी थी, जिसे देखकर गाओ बताता है कि इस पॉइजन को ठीक करने के लिए उन्हें एक मेडिसिन तैयार करनी होगी। वो दोनों फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट को वहाँ पर लाकर तैयार करते हैं और मेडिसिन के बनने का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद गुआ हाओ को याद आता है कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे का टाइम लगता है,
लेकिन करंटली उनके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मेडिसिन को तैयार करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो ग्रीन डॉग मॉन्स्टर जिसने फर्नेस चुराने की कोशिश की थी उसके पास कुछ ऐसी मैजिक स्पिरिट है जिससे वो टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए वो डॉग को पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती उसकी पावर का इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसा करने से डॉग की हालत तो बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उन दोनों का काम बन जाता है। मेडिसिन के तैयार होते ही गाओ जल्दी से वो चाओ को खिला देता है और देखते ही देखते चाओ के ऊपर से उस पॉइजन का असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वांगलिंग नोटिस करता है कि अब बस 5 बजने ही वाले हैं और कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट और पैम यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ये जगह साफ कर देनी चाहिए और इस रूम से चले जाना चाहिए। दोनों यही काम करते हैं और पैम के वहाँ पर आने से पहले ही वो डॉग को लेकर लैब को खाली करके वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ देर के बाद क्लास के बाकी बच्चों के साथ वो दोनों भी लैब में आते हैं, जहाँ पर पैम सबसे पहले गाओ के फर्नेस को चेक करने के लिए बोलती है, मगर गाओ उससे फर्नेस को दिखाने से डर रहा था क्योंकि चाओ की मेडिसिन को तैयार करने के चक्कर में वो अपनी खुद की गोल्डन बॉल बनाना भूल गया था। मगर जब पैम उसका फर्नेस चेक करती है तो उसके अंदर से एक गोल्डन बॉल निकलती है, जिसे देखकर पैम और बाकी स्टूडेंट तो काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन गाओ बहुत हैरान हो जाता है, असल में ये सब वांगलिंग ने किया था क्योंकि उसे ये अंदाजा लग चुका था कि पैम सबसे पहले गाओ का फर्नेस ही चेक करेगी, क्योंकि उसने गाओ के खानदानी फर्नेस की बहुत तारीफ सुनी थी और अगर इसके बाद भी गाओ के फर्नेस से उसे कुछ भी नहीं मिला तो गाओ की बहुत बदनामी होती, इसीलिए उसने अपने खुद की गोल्डन बॉल को लेकर गाओ के फर्नेस में डाल दिया था। क्लास खत्म होने के बाद गाओ और वांगलिंग चाओ के साथ एक लेक के पास बैठे हुए थे, जहां वांगलिंग चाओ को बताता है कि उसने चाओ की खानदानी फर्नेस को डॉग की पावर की मदद से ठीक कर दिया है। अपने फर्नेस को सही सलामत देखकर चाओ बहुत ही खुश होता है और खुशी के मारे वांगलिंग को गले लगाकर रोने लगता है। अगले दिन स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले सुन रॉन्ग वांगलिंग की सीट की तरफ आती है और अचानक से उसे डेट के लिए पूछती है। उसकी ये बातें सुनकर तो पूरी क्लास बिल्कुल शांत हो गई थी और हैरानी के मारे सभी उन दोनों को देख रहे होते हैं। लेकिन सभी लोगों के लिए ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वांगलिंग सुन को कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उसे लगातार देख ही जा रहा था। वहीं इधर क्लास के बाहर कुछ स्नाइपर सुन की तरफ अपनी गन से एम करते हैं, क्योंकि उन स्नाइपर को किसी ने सुन रॉन्ग को मारने की सुपारी दी होती है। जैसे ही वो स्नाइपर सुन को शूट करने ही वाले होते हैं, वांगलिंग उनमें से एक स्नाइपर की तरफ देखता है और उसकी सिर्फ नजरें ही काफी थी किसी इंसान को मौत का मंजर दिखाने के लिए। वांगलिंग को देखकर वो सभी स्नाइपर बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और अपने प्लान को तुरंत कैंसिल कर देते हैं। अब वांगलिंग का फोकस फिर से सुन रॉन्ग की तरफ आता है, जो अभी भी उससे डेट पर जाने की जिद कर रही थी। अब उन दोनों को ऐसे देखकर क्लास के सभी बच्चों को काफी जलन भी हो रही थी, खास करके सभी लड़कों को। खैर, जैसे ही वांगलिंग उसके सवालों के जवाब देने वाला होता है, तभी क्लास के इंस्ट्रक्टर वहां पर आकर वांग को प्रिंसिपल ऑफिस में आने को बोलते हैं। वो भी बिना कोई क्वेश्चन किए उनके साथ चला जाता है और सुन रॉन्ग को उसके सवालों के साथ वहीं पर छोड़ देता है। वांगलिंग इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, लेकिन शायद वांगलिंग को अभी ये नहीं पता था कि सुन रॉन्ग ने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट और स्टूडेंट्स ग्रुप पर यह अफवाह फैला दी थी कि आज वो वांगलिंग के साथ डेट पर जाने वाली है। इस बात का पता दूर बैठे स्नाइपर्स को भी लग जाता है, जो अब अपने मिशन को तभी स्टार्ट करेंगे जब सुन रॉन्ग और वांगलिंग एक साथ अकेले होंगे। इन सभी बातों से अनजान अपने काम से मतलब रखने वाला वांगलिंग प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि यहां का प्रिंसिपल वही रॉयल गार्ड जाऊ है जिसने सालों पहले जाइंट फ्रॉग को हराया था। वैसे वहां पर वांगलिंग को तो इसीलिए बुलाया गया था ताकि उससे उस अफवाह के बारे में पूछताछ की जा सके, लेकिन जब जाऊ देखता है कि ये वही लड़का है जिसने सालों पहले जाइंट फ्रॉग को मारा था, जिसे कोई और हरा नहीं पाया था और जिसकी वजह से जाओ को इतना नाम और शोहरत मिली है, तो वो इंस्ट्रक्टर को बाहर वेट करने को बोलता है। और जब वांगलिंग और जाओ रूम में अकेले होते हैं, तब वो वांगलिंग के सामने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि वो जाओ को अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि जो काबिलियत वांगलिंग के पास अभी से है वैसी इस दुनिया में मिल पाना काफी मुश्किल हो सकती है। ये सब सुनकर तो वांगलिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो जितना दुनिया को अपनी पावर के बारे में कम दिखाने की कोशिश करता है, उतने ही लोग उसकी पावर को देखना चाहते हैं। इसीलिए वो बिना कोई देरी किए प्रिंसिपल की मेमोरी से वो बचपन वाले इंसिडेंट को इरेज कर देता है, जो उन दोनों के ही शांति से जीने के लिए बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो चुपचाप वहां से भी निकल जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद डॉग डीमन उसके पास आकर उससे स्नाइपर का प्लान बताता है जो उसने चुपके से सुना था। अगले दिन वांगलिंग जब अपने घर से आराम करके उठता है, तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर सुन रॉन्ग अपनी कार्स और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होकर वांगलिंग के साथ डेट पर जाने का इंतजार कर रही है। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी विंडोज के पर्दे लगाकर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है।
डाइनिंग टेबल पर वॉन्गलिंग की मदर उसे मोटिवेट करती है कि उसे सुनरोंग जैसी एक खूबसूरत लड़की को इतना वेट नहीं कराना चाहिए और उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाना चाहिए, जिसमें उसकी मदर के साथ साथ अब उसके फादर भी उस पर प्रेशर डालते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी फैमिली के प्रेशर से परेशान होकर वॉन्गलिंग भी उसके साथ डेट पर जाने को तैयार हो जाता है। सुनरोंग वॉन्गलिंग को अपने साथ डेट पर काफी अलग अलग जगह जाती है, जहाँ उनका पीछा वो स्नाइपर्स भी करते हैं जिन्होंने स्कूल में सुनरोंग पर अटैक करने की कोशिश की थी। डेट पर भी वॉन्गलिंग सुनरोंग को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही आसपास के लोगों के दिमाग से इस अटैक की मेमोरी को भी इरेज कर देता है। डेट खत्म होते हुए सुनरोंग वॉन्गलिंग को एक बड़े से व्हील पर लेकर आती है, जहां पर वो दोनों मिलकर फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं, जहां फिर से कुछ स्नाइपर सुनरोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वॉन्गलिंग उन्हें तुरंत ही हरा देता है और वो एक एक स्नाइपर को मार गिराता है। और इस बार सुनरोंग ने ये सब अपने सामने होते हुए देखा था, इसलिए वॉन्गलिंग भी डिसाइड करता है कि वो सुनरोंग की मेमोरी को इरेज नहीं करेगा और उससे ये वादा करता है कि वो उसे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन साथ ही वो सुनरोंग से भी एक वादा लेता है कि वो वॉन्गलिंग की पावर के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अगले सीन में हमें उन स्नाइपर के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का बॉस काफी गुस्सा था क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो लोग मिलकर एक लड़की को रास्ते से हटा नहीं सके। यहाँ पर सभी मेंबर एक रैबिट का मास्क लगा रखे थे और इस टीम का नाम शैडो फैक्शन है, जिनका लास्ट 100 ईयर से ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने एक भी असैसिनेशन कभी अनकम्प्लीट नहीं की है। उनका बॉस अपने सभी आदमियों को वार्निंग देता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग मिलकर सुनरोंग को खत्म करें, क्योंकि अब ये मिशन उनकी इज्जत पे आ गया है। अगले दिन सुनरोंग और वॉन्गलिंग स्कूल जाते हैं, जहां सुनरोंग के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। तभी प्रिंसिपल झाऊ वहां पर आते हैं, जो सभी को बताते हैं कि लास्ट नाइट सुनरोंग पर एक गैंग ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन झाऊ ने उन सभी को हराकर सुनरोंग की जान बचा ली। असल में वो ऐसा इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि पिछली रात जब प्रिंसिपल झाऊ वॉन्ग और सुनरोंग से मिलने आए थे, तब वॉन्ग ने ही झाऊ की मेमोरी को चेंज कर दिया था और साथ ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उसने ही सुनरोंग की जान बचाई है। प्रेजेंट में झाऊ एक चुटकी बजाता और देखते ही देखते उसके वहाँ बहुत से आर्मी सोल्जर और सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, जो पूरे स्कूल को अंदर बाहर हर जगह से सील कर देते हैं। अब झाऊ वॉन्गलिंग सुनरोंग चाओ और गाओ को एक रूम में ले जाता है, क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से सुनरोंग पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर के ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर एक लाल बाल वाला लड़का जू फेंग जमीन के अंदर से बाहर आता है। उसके हाथ में एक रबर टॉय जैसी कोई चीज थी, जिससे वो सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दो और गार्ड को नॉकआउट करने के बाद वो एक एक करके बाहर खड़े ज्यादातर ऑफिसर को बेहोश करके स्कूल के अंदर आने लगा था। वहीं स्कूल के अंदर बाकी सभी गार्ड बिल्कुल चौकन्ने हो चुके थे, तभी वहां पर एक सिल्वर बाल वाली निंजा जिसका नाम जू इंग था, वो आता है और स्लीपिंग गैस का यूज करके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर देता है। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड को निपटाने के बाद जू इंग अब सुनरोंग के कमरे की तरफ जाने की सोचता है कि तभी उसके ऊपर एक टीचर अपनी चौक से हमला करते हैं, लेकिन उस चौक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मानो वो किसी असली बुलेट की तरह हो। जू इंग उस टीचर की एबिलिटी देखकर काफी इम्प्रेस था, जिस पर वो टीचर कहता है कि तुम जैसे एक फालतू निंजा को तो मैं एक मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में, जहां पर वॉन्गलिंग भी बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ था और मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो गेम खेलते खेलते एक रिवॉर्ड जीत चुका था जिसके बदले उसे नूडल्स मिलने वाले थे, और नूडल्स की बात सुनकर तो वॉन्गलिंग इतना खुश हो जाता है कि वो बाहर जाने की जिद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जू इंग को भी अब उस टीचर से लड़ने में तकलीफ होने लगती है, उसको उस टीचर से काफी चिढ़ होने लगी थी, इसीलिए अब वो जल्द से जल्द बस इस टीचर को अपने वेपन से खत्म करने की ठान लेता है। और एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन यही हम देखते हैं कि उस टीचर ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल से उसके वेपन को रोक लिया था और उसके वेपन को पूरी तरह से तोड़ने के बाद उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो भी ये बोलते हुए कि जू इंग निंजा के नाम पर एक कलंक है। जू इंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टीचर को कैसे हराए, इसलिए वो एक स्पेल का यूज करके वहाँ ग्रीन स्मोक समन करता है और उसी स्मोक में छुपते हुए वो वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसे लगने लगा था कि अब वो बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत खराब होती है, क्योंकि भागते भागते एक रूम का गेट ओपन होता है और वो उससे टकराकर बेहोश हो जाता है। उस रूम से वॉन्गलिंग बाहर निकलता है, जो कि अभी नूडल्स लेने जा रहा था। वो वहां पर जू इंग को देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो अपने नूडल्स लेने बाहर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जू फेंग ने भी बाहर खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड को हरा दिया था, जिसकी जानकारी वो अपने बॉस को देता है, लेकिन तभी उसके सामने वो ग्रीन डॉग आ जाता है। जू फेंग उस डॉग को देखकर इतना खुश हो गया था कि वो उसके साथ खेलने लगा था, लेकिन वो डॉग उल्टा ही फेंग के हाथ को काट लेता है और फेंग भी उस डॉग को अपने से दूर फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उस डॉग ने सिर्फ उसे काटा ही नहीं है,
बल्कि उसकी स्पिरिट पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। यहीं अब डॉग भी इतनी स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने रियल फ्रॉग फॉर्म में आने लगा था, जिसे देखकर तो फैंग की बहुत बुरी फट चुकी थी। वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और तब तक फ्रॉग वहां पर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट कर देता है। अब बारी आती है एक थर्ड निंजा जू जियान की, जिसे अपनी इनविजिबल होने वाली एबिलिटी पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और उसे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी इस एबिलिटी को ओवरकम कर दे। तभी वहां पर वांगलिंग आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए अपनी आवाज धीमी रखो। ये सुनकर तो जू जियान के फेस का रंग ही उड़ गया था। वांगलिंग बाहर आता और अपने जीते हुए फ्री नूडल्स को रिसीव करके वापस जाने लगता है। वापस आते हुए भी जू जियान वहीं पर खड़ा था, जो कहता है कि तुमने मुझे कैसे नोटिस किया, जिस पर वांगलिंग बड़ी बदतमीजी के साथ बोलता है कि तुम्हारे अंदर से खून की स्मेल आती है। जिसे सुनकर तो जू जियान गुस्से में ही आ गया था और अपने हैमर से वांगलिंग पर अटैक करता है, लेकिन उसका हैमर वांगलिंग को टच भी नहीं कर पाता। उल्टा वांगलिंग की स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जू जियान का हैमर चूर चूर हो गया होता है और वो वहीं पर खून खून होकर बेहोश हो जाता है। वांगलिंग उसे देखता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर यार्ड में ले आता है। इतने बड़े ब्लास्ट की आवाज सुनकर प्रिंसिपल झाओ भी बाहर आते हैं, जो वांगलिंग को वहां पर देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने उसे हराया है। लेकिन वांगलिंग झाओ पर एक मैजिक करता है, जिससे झाओ को लगता है कि उसी ने इस विलेन को हराया है और वांगलिंग उल्टा जाके खुद बेहोश होने का नाटक करता है ताकि ये ड्रामा और रियल लगे। सभी लोग वांगलिंग की हालत देखकर घबरा जाते हैं और उसे लेकर उसके घर पर आते हैं। अब यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग अभी भी अपने बिस्तर पर बैठे आराम कर रहा है और स्कूल जाने से खुद को बचा रहा होता है। उसी दिन उसके स्कूल के तीन दोस्त उससे मिलने आते हैं, जहाँ सुनरोंग वांगलिंग को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाने की धमकी देती है, जिसे देखकर वो खुद ही उठकर बैठ जाता है। अब वो चारों एक साथ बैठ के एक स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट देते हैं अपने अपने लेवल को पता करने के लिए। सबसे पहले चाओ ये टेस्ट देता है, जिसमें उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक फिजिकल फॉर्म देना था, जो बिल्कुल एक साइनी बॉल की तरह लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे स्कूल की तरफ, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिलकर ये सेम टेस्ट देते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स का एक लीडर लिंग लैंग जब ये टेस्ट देता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही बार में लिस्ट में टॉप पे आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स ये देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और लिंग लैंग को भी यही लगता है कि इससे ज्यादा स्कोर तो कोई बना ही नहीं सकता। वहीं इधर वांगलिंग के घर में गाओ भी सेम टेस्ट देता है, लेकिन उसका स्कोर एक छोटे बच्चे से भी कम था, जो देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद वो दोनों सुनरोंग से भी ये टेस्ट देने को बोलते हैं, जहाँ पहले तो वो थोड़े नखरे करती है लेकिन बाद में इसके लिए मान जाती है। उसका स्कोर भी काफी ज्यादा था, जिससे अब वो सेकंड पोजीशन पर आ चुकी थी। अब ये तीनों मिलकर वांगलिंग से भी सेम चीज करने की जिद करते हैं। वांगलिंग मान तो जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि कम से कम स्पिरिचुअल एनर्जी को शो करे। हालांकि उसकी ये कम एनर्जी भी एक सन जितने साइज के बॉल को समन करती है, जिसे कोई देख भी नहीं पाता है। इसीलिए वांगलिंग जल्दी से उस बॉल को स्पेस में फेंक देता है। अब उस टेस्ट में वांगलिंग का नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन उसके स्कोर की जगह कुछ नहीं लिखा होता है। सभी लोगों को लगता है कि गेम के सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है, वरना किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि उसे काउंट करना भी किसी के बस में ना हो। वहीं इधर वो दूसरे स्कूल के बच्चे भी यही देख के हैरान होते हैं कि ऐसा कौन सा नया लड़का मार्केट में आ गया है जिसने लिंग लैंग की पावर को भी ओवरकम कर दिया। और वो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से उस टेस्ट के सिस्टम को हैक करके वांगलिंग के रियल स्कोर पता करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग भी गाओ के साथ होता है, जो ये चाहता था कि गाओ वांगलिंग के स्कोर को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि अगर वांगलिंग ऐसे ही नंबर वन पोजीशन पर रहेगा तो सबकी नजर उसी पर रहेगी, जो उसकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गाओ भी अपने हैकिंग स्पेल का यूज करके उस सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गया था और लिस्ट को देखते हुए जब वो लिंग नाम के लड़के को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने जूनियर स्कूल में गाओ का बहुत मजाक बनाया था और गाओ हमेशा से लिंग से बदला लेना चाहता था। यहाँ दोनों ही लोग अपने अपने मकसद के लिए सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी अलार्म बजता और वांगलिंग गाओ को कहता है कि उसे जल्द से जल्द हैकिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी वो लगा रहा तो स्कूल को इस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन लॉग आउट करते वक्त गाओ लिंग का नाम चेंज करके एक बहुत ही फनी सा नाम रख देता है। लिंग के क्लासमेट उसके पास आकर उससे इस बारे में बताते हैं, जिससे लिंग को बहुत ही शर्म आती है, लेकिन गाओ अपने घर पर बैठकर खुश हो रहा था। अगले दिन स्कूल में टीचर से कॉम्पिटिशन को लेकर बात कर रहे होते हैं, जो उनकी रेवल स्कूल के साथ होने वाला था और इस कॉम्पिटिशन को वो लोग 13 साल से हारते आ रहे हैं। जिसे सुनकर एक टीचर कहते हैं कि इस बार शायद वो ये कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार वांगलिंग और उसके दोस्त उनके स्कूल में हैं, जो काफी पावरफुल हैं।
इस बारे में बात करते हुए पैम बताती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें 5 मेंबर की जरूरत है, लेकिन स्कूल में इस वक्त सिर्फ 4 इस काबिल हैं, जिस पर प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उनका 5वां मेंबर डीमन डॉग होगा क्योंकि वो भी काफी पावरफुल है। सभी टीचर्स को समझ नहीं आता कि डॉग इस कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बताते हैं कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि पार्टिसिपेट सिर्फ इंसान को ही करना है और इसलिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल डॉग को स्पिरिट एनर्जी टेस्ट देने को बोलते हैं और साथ ही वादा भी करते हैं कि अगर डॉग उनकी हेल्प करेगा तो वो उसे फ्री कर देंगे। इस बात का मोटिवेशन इतना ज्यादा होता है कि डॉग की पावर लेवल 5000 क्रॉस कर जाती है और वो लिस्ट में वॉन्गलिंग के बाद सेकेंड पोजिशन पर आ जाता है। उसी रात स्कूल की तरफ से सभी को मैसेज आता है कि 5 लोग स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही कॉम्पिटिशन के लिए वो सब अपनी अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को भी तैयार कर ले। वॉन्गलिंग को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स, इवन डॉग भी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की फोटो अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करता है। वॉन्गलिंग भी अपने घर के बेसमेंट में किसी स्वॉर्ड को ढूंढने जाता है, जहां उसे एक बॉक्स में से स्वॉर्ड स्पिरिट मिलती है जो वॉन्गलिंग को देखकर छुप जाती है। अगले दिन सभी 5ों मेंबर स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं, जहां सभी अपने अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का शो ऑफ कर रहे थे, लेकिन वॉन्गलिंग के स्वॉर्ड को देखकर उन्हें लगता है कि ये कोई स्पेशल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि एक मामूली सी स्वॉर्ड है। कुछ देर के बाद स्कूल बस वहां पर आती है, साथ ही प्रिंसिपल भी आते हैं जो बताते हैं कि उन 5ों को किसी भी तरह से ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा और ये उनकी स्कूल रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है। सभी लोग उस बस में बैठ जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि उनका पीछा निंजा ग्रुप के लीडर खुद कर रही थी। बस के अंदर सभी कंपटीशन को लेकर काफी एक्साइटेड थे, तभी हम वॉन्गलिंग को देखते हैं जो अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसकी स्पिरिट बार बार उसकी बॉडी से निकलकर उसे परेशान कर रही होती है। वो बस के अंदर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी स्पिरिट से शांत रहने को बोलता है। कुछ देर के बाद वो सभी अपने रेवेल स्कूल में पहुंच जाते हैं। उस स्कूल की टीचर जी और वॉन्गलिंग की टीचर पैम एक दूसरे को देखकर बिल्कुल रेवेल वाली फीलिंग देती है। यहाँ पर जी पैम को इग्नोर करते हुए बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपना और अपने स्कूल के बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाती है। पैम भी उसके एटीट्यूड को कम करने के लिए उसे थोड़ा चिढ़ाती है और कहती है कि इस स्कूल का ये बैच सबसे स्ट्रांग है जो जी की क्लास को आराम से हरा सकता है। ये सुनने के बाद जी का ईगो हर्ट हो गया था और वो पैम की बातों को कन्फर्म करने के लिए वॉन्गलिंग के ऊपर एक लेजर बीम से अटैक करती है, जिसके इम्पैक्ट से वॉन्गलिंग जमीन पर जाकर गिरता है और एक्टिंग तो ऐसे करता है जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हो। उसको ऐसे देखकर अब जी पैम को टीज करती है कि अगर ये लड़का एक छोटी सी बीम को भी सहन नहीं कर सकता तो इससे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा। पैम वॉन्गलिंग को संभालने जाती है, लेकिन वॉन्गलिंग के सामने उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट आ गई थी जो उसे बताती है कि वॉन्गलिंग एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और वो ये है कि जी की बीम से वॉन्गलिंग का एनर्जी सील खराब हो गया है। वॉन्गलिंग को भी इस बात का एहसास होता है, लेकिन तब तक वॉन्गलिंग की बॉडी से एक बहुत ज्यादा स्पिरिट एनर्जी निकलती है जिसके सामने सीधे खड़े रह पाने की भी किसी के बस की बात नहीं थी। कुछ देर में वॉन्गलिंग अपनी पावर पर कंट्रोल करता है और बेहोश होने का नाटक करता है। उसकी यह हालत देखकर सुन रोंग को उसकी चिंता होने लगी थी, जिस पर जी अपने स्कूल की मेडिकल टीम को वहां पर बुलाती है और वॉन्गलिंग को आराम करने के लिए भेज देती है। साथ ही यहां पर जी अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वॉन्गलिंग की बॉडी में इतनी सारी स्पिरिट एनर्जी है। वॉन्गलिंग को वहां से ले जाते वक्त सुन रोंग भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन यहाँ पर लिंग उसका रास्ता रोक लेता है। साथ ही वो वॉन्ग पर एक पर्पल फ्लेम से भी अटैक करता है, लेकिन जी उसे अपने सीलिंग मैजिक से बचा लेती है और जल्द से जल्द मेडिकल रूम में भेज देती है। लेकिन लिंग की ये हरकत से सुन रोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती और लिंग पर अपनी शॉर्ट से अटैक करने ही वाली होती है कि तभी उसके टीचर वहां पर आकर उन्हें रोक देते हैं और वो उनसे बाकी की एनर्जी को कंपटीशन पर फोकस करने को बोलते हैं। अब यहां से सीन शिफ्ट होता है मेडिकल रूम में, जहां पर सभी डॉक्टर्स वॉन्गलिंग का इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन वॉन्गलिंग चुपके से वहां से भाग जाता है। वह स्कूल से बाहर जाने का कोई डोर ढूंढता है क्योंकि अगर उसकी सील जल्दी से जल्दी रिपेयर नहीं हुई तो उसकी पावर्स ना जाने कितने और लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। वो अपने फादर को कॉल करके सारी खबर देता है। उसके फादर सील वाली बात सुनते ही वॉन्गलिंग के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि अब वही एक है जो वॉन्गलिंग की सील को ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ टीम के बाकी मेंबर्स स्कूल के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कॉम्पिटिशन के रूल बताए जाते हैं कि जो कोई भी लास्ट तक टिका रहेगा वही इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा। यहाँ पर गाओ एक चीज नोटिस करता है कि उनकी रेवल टीम में अभी सिर्फ 4 ही मेंबर हैं और एक मेंबर अभी भी मिसिंग है। तभी वहाँ पर हवाएं तेज हो जाती है और पानी की गहराई से एक लड़का बाहर आता है जिसकी एंट्री काफी दमदार होती है। उस लड़के के हाथ में एक रोज होता है जिसे वो सुन रोंग को देने की सोचता है, लेकिन सुन रोंग उसे रिजेक्ट कर देती है
ये देखकर गुस्से में चाओ उससे पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम यू फैंग बताता है और वही उनका फिफ्थ मेंबर भी है। वो तो यहाँ तक बोल देता है कि वो इस स्कूल के एक एक मेंबर को अकेले ही हरा सकता है। ये सुनकर चाओ का खून और गर्म हो जाता है और गुस्से में वो फैंग पर अटैक करने के लिए आगे आता है, मगर फैंग अपने डिफेंसेस का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए वो चाओ की जमकर पिटाई करता है। और जैसे ही फैंग कुछ ज्यादा करे, वहां पर वांगलिंग सही टाइम पर वहां पर आकर चाओ को बचा लेता है और इस फाइट को यहीं पर खत्म करता है। थोड़ी देर के बाद सभी टीम्स अपने अपने रूम्स की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन वांगलिंग फिर से नूडल्स का बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाता है क्योंकि उसकी सील अभी भी रिपेयर नहीं हुई है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस निंजा ग्रुप की बॉस को देखते हैं जो किसी तरह से स्कूल में आ चुकी थी और वो वांगलिंग पर नजर रखने के लिए उसे ढूंढ भी रही थी। उसे ऐसा करते हुए फैंग देख लेता है जो उसके पास आता है, लेकिन फैंग को देखते ही वो लड़की ऐसे बिहेव करती है जैसे वो रास्ता भटक गई हो, मगर फैंग उसका ये झूठ पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी वो उससे फ्लर्ट करने के लिए वो उसे फ्लावर ऑफर करता है, जिसे वो लड़की भी रिजेक्ट कर देती है और वहां से जाने लगती है। अब एक दिन में दो दो रिजेक्शन झेलने के बाद फैंग भी गुस्से में उसे बुरा भला बोल देता है, जिसके जवाब में वो लड़की फैंग को इनविजिबल पंच मारती है जिससे फैंग दूर जाकर गिरता है। अब फैंग भी इस चीज को सीरियस ले चुका है, इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ एक बड़ी सी डार्क बॉल समन करता है, मगर वो लड़की एक चुटकी बजाते ही उसकी इस मैजिक को खत्म कर देती है। अब फैंग को पनिश करने के लिए वो उसे उल्टा लटकाकर खूब पिटाई करती है। तभी वांगलिंग वहाँ से अपनी नूडल्स के साथ गुजर रहा होता है और उस लड़की को ऐसा करते हुए वो देख भी लेता है। वो लड़की भी अभी तक वांगलिंग को ही ढूंढ रही थी, इसीलिए वो उन दोनों को लेकर स्कूल की छत पर जाती है और स्पिरिट पावर से दोनों को बांध देती है। बॉस के साथ साथ वहाँ पर एक और आदमी आता है जो उसका ड्राइवर था। वो बॉस वांगलिंग से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसी की वजह से सुनरोंग को मारने का उनका प्लान तीन तीन बार फेल हो गया था। वो वांगलिंग को छत से फेंकने की धमकी देती है, मगर जब वांगलिंग उसकी धमकियों से नहीं डरता तो वो ड्राइवर फैंग को घसीटते हुए वहां से दूर ले जाता है और उसे वहां से नीचे फेंकने की बात करता है। लेकिन अब यहां पर वांगलिंग को गुस्सा आने लगता है, जिसके इम्पैक्ट से उसका सील पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसकी सारी पावर्स बाहर आना शुरू हो जाती है। ये सब रोकने के लिए वो स्वॉर्ड स्पिरिट सारी कोशिश करके देख लेता है, लेकिन जब उसकी किसी बात का वांगलिंग पर असर नहीं पड़ता तब वो वांगलिंग को बताता है कि इस स्कूल में फ्री नूडल्स मिलने वाली है। और फ्री नूडल्स की बात सुनकर तो वांगलिंग भी बिल्कुल शांत हो गया था। वो बॉस वहां पर खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम लू यान था। वो प्लान करती है कि वो फैंग का रूप लेकर बाकी टीचर्स के पास जाएगी। दूसरी तरफ स्टाफ ऑफिस में सभी टीचर्स मीटिंग में थे। यहाँ लू यान फैंग का नकली रूप लेकर आती है और सभी को बोलती है कि वांगलिंग किडनैप हो चुका है और वो काफी तकलीफ में है और जिस ग्रुप ने उन्हें किडनैप किया है वो सिर्फ सुनरोंग से मिलना चाहते हैं और बाकी किसी से भी नहीं। ये सुनने के बाद वहाँ का माहौल काफी टेंस भरा हो जाता है। कुछ देर इस बारे में बात करने के बाद प्रिंसिपल जाओ बताते हैं कि लू यान शैडो फैक्शन की बॉस है, जिसने पहले भी कई बार सुनरोंग को मारने की कोशिश की है और शायद इस बार भी उनका प्लान यही है। ये सुनकर सुनरोंग के बॉडीगार्ड्स उसे किसी सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बात से साफ साफ मना कर देती है और वो ये फैसला करती है कि वो वांगलिंग को बचाने के लिए जरूर जाएगी। उसका ये हौसला देखकर उसके बॉडीगार्ड भी उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ जाने को मान जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वांगलिंग और फैंग की तरफ, जो उस ड्राइवर की सुपर स्ट्रेंथ देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है। कुछ देर बाद वो ड्राइवर ये सेंस करता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए अब वो पहले तो फैंग के सर पर एक जोरदार किक करता है और वांगलिंग को एक क्रॉस पर लटका देता है। दूर से आते हुए सुनरोंग ये देखती है तो वो पूरे गुस्से के साथ उस ड्राइवर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। अब वो ड्राइवर भी काफी सीरियस हो जाता है इस फाइट को लेके। सुनरोंग के बॉडीगार्ड और उस ड्राइवर के बीच एक बड़ी ही घमासान लड़ाई होती है, लेकिन वो ड्राइवर इतना पावरफुल था कि वो सभी मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब वो ड्राइवर भी सीरियस होते हुए आसमान की तरफ एक लेजर फेंकता है, जिससे वहाँ आसपास एक येलो शील्ड आ जाती है और उसमें से कुछ सोल्जर बाहर भी आते हैं। वो सभी सोल्जर अब सुनरोंग पर अटैक करते हैं, लेकिन उल्टा सुनरोंग ही अपनी पावर का यूज करके उन सभी को मिटा देती है। अब ये ड्राइवर भी जान चुका था कि सुनरोंग को हराने के लिए उसे अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी सारी पावर को सिर्फ सुनरोंग की तरफ कंसंट्रेट करता है, जिससे अब सुनरोंग भी हारने लगी थी। लेकिन यहाँ पर अचानक से ही कुछ होता है और वांगलिंग की एक चुटकी बजाते ही सब कुछ वहाँ पर रिवर्स हो जाता है और हम पास्ट में आ जाते हैं। कहानी वापस वहीं से शुरू होती है जहाँ उस ड्राइवर ने फैंग के सर पर अटैक किया था, लेकिन इस बार उसके ये करने के बाद प्रिंसिपल जाओ वहाँ पर आ जाते हैं, जो पीछे से अटैक करके उस ड्राइवर को हरा देते हैं और वांगलिंग को बचा लेते हैं।
मेडिकल टीम भी वहां पर आती है जो वांगलिंग से उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस पर वांगलिंग बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो किसी को ये बात नहीं बताता कि जो फैंग अभी तक उनके साथ था वो एक फेक है और असलियत में वो लू यान है। अब वो इस मामले को खुद ही सॉल्व करना चाह रहा था। अगले दिन कॉम्पिटिशन शुरू होता है और सभी टीम मेंबर वहां पर इकट्ठे होते हैं। तभी हम वांगलिंग के डैड को भी देखते हैं जो उसके लिए न्यू सील लेकर आए थे, मगर तब तक कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका था और वांगलिंग को उसकी सील नहीं मिल पाती। गेम के अंदर पहुंचने के बाद रेवल टीम को यह एहसास होता है कि वांगलिंग की टीम पूरे गेम में अलग अलग जगह समन हो चुकी है। रेवल टीम के सभी मेंबर्स वांगलिंग की टीम की एक एक मेंबर को अपना टारगेट बना लेती है। यही लैंग नाम का एक लड़का बोलता है कि वो वांगलिंग को अपना टारगेट बनाएगा और वो वांगलिंग के लोकेशन पर जाने लगता है। रास्ते में जब गाओ उसे वांगलिंग की तरफ जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ चाओ भी अपनी लोकेशन पर जाता है ताकि वो लोग पॉइंट गेन कर सके। जैसे ही चाओ अपने लोकेशन पर पहुंचता है, ऐसा वहां पर आ जाती है। वो चाओ पर कुछ कुछ अटैक करती है। ये देखने के बाद चाओ ऐसा को चैलेंज करता है कि वो उसे सिर्फ 3 हमलों में ही हरा देगा, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि चाओ को पता भी नहीं लगता कि ऐसा पहले ही अपने स्पाइडर पपेट वेब से उसके ऊपर अटैक करती है और चाओ पूरी तरह से ऐसा के कंट्रोल में आ गया था और खुद को ही मारने लगता है। वहीं इधर फैंग डीमन डॉग से लड़ता है, जिससे लड़ते हुए उस फेक फैंग को एहसास होता है कि ये डीमन डॉग जो उसकी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो वहां से भाग गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लैंग की तरफ, जो वांगलिंग को पोजीशन पर देखता है और देखता है कि वहां पर वो सिर्फ अकेला ही है और वो जमीन पर लेटा हुआ है और कोई हलचल नहीं कर रहा। ये देखकर लैंग काफी खुश हो जाता है अब, क्योंकि उसे बिना लड़े ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। लैंग अपनी स्वॉर्ड्स को उस जगह पर डालने ही वाला होता है कि तभी वांगलिंग जाग जाता है और गाओ भी लैंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड स्पेल से अटैक करता है, जिसे लैंग किसी तरह डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ सुनरोंग भी अपनी पोजीशन पर जाकर उस जगह को जीतने ही वाली होती है कि तभी लिंग वहां पर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ आता है और सुनरोंग पर हमला करता है। सुनरोंग खुद को डॉज कर लेती है अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से। वहीं लिंग को अचानक से वहां पर देखकर उसे समझ नहीं आता कि लिंग को उसकी पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, जिस पर लिंग बताता है कि उन्होंने स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया है, इसलिए उन्हें सब पता चल जाता है कि कब कौन सा प्लेयर कहां पर है। ये सुनने के बाद सुनरोंग ऊपर से अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से वाटर ड्रैगन अटैक करती है, जिसे लिंग बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है। यहीं पर सुनरोंग को ये पता चलता है कि चाओ अपनी बैटल हार गया है और अपनी पोजीशन को हार चुका है, जिसका मतलब है कि लिंग की टीम इस वक्त जीत रही है और अगर सुनरोंग की टीम ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग हार जाएंगे। तभी लिंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की हेल्प से सुन पर आइस अटैक करता है। सुनरोंग उसके अटैक को डॉज करते हुए लिंग की स्पिरिट स्वॉर्ड से लड़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर फेक फैंग आ जाता है जो अपनी डार्क बॉल के अटैक से सुनरोंग को हराने लगता है। सुनरोंग को इतना समझ आ चुका था कि वो इन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकती और अगर वो भी हार गई तो उनके टीम के लिए जीतना काफी मुश्किल साबित हो सकता है, इसीलिए फिलहाल वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का डिसाइड करती है। और सुनरोंग के जाते ही लिंग उस पोजीशन पर शॉट डालकर उस जगह को भी जीत लेता है। वांगलिंग वाले पोजीशन पर गाओ और लैंग के बीच में लड़ाई हो रही थी और यहाँ पर गाओ भी हार रहा होता है और उसे हारता हुआ देखकर लैंग वैंग को भी मारने लगता है और यहाँ पर वांगलिंग भी चोट लगने की एक्टिंग करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी पावर से आसपास के किसी भी इंसान को कोई तकलीफ हो, क्योंकि उसकी सील फिलहाल पूरी तरीके से टूट चुकी है। गाओ भी वांगलिंग को यूं मार खाता हुआ देख नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी बची हुई सारी स्पिरिट पावर से लैंग से लड़ने लगता है, लेकिन वो पावर्स लैंग को हराने के लिए काफी नहीं थी। वांगलिंग गाओ के ये बुलंद हौसलों को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को बाहर निकालता है, मगर वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। तभी वांगलिंग के पीछे से डॉग आता है जो उसके स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वांगलिंग भी डॉग को नहीं रोकता क्योंकि वो जानता है कि फिलहाल सिर्फ डॉग ही एक मेंबर है जो उनकी हेल्प कर सकता है। और देखते ही देखते वांगलिंग और डॉग आपस में एक हो जाते हैं। डॉग एक मास्क की तरह वांगलिंग की बॉडी पर आ जाता है और वांगलिंग की स्पिरिट एनर्जी को वो कंट्रोल में रखता है। ये सब गाओ और लैंग खड़े होकर देख ही रहे थे कि तभी लैंग वांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय वांगलिंग सिर्फ अपनी फिंगर का यूज करके उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाद में वो सिर्फ लैंग के शोल्डर को टच करता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वांगलिंग गाओ को उसी पोस्ट की निगरानी करने को बोलता और खुद चाओ वाली पोस्ट पे जाता है। वहां जाकर वांगलिंग देखता है कि चाओ काफी जख्मी है। वो उसे हील करता और उस पोस्ट को वापस से जीतता है। यहाँ पर चाओ वांगलिंग को देखकर थोड़ा सा हैरान था, मगर अब वांगलिंग का दिमाग काफी खराब हो चुका है। वो पहले तो चाओ को शांत करता है, फिर उसे बताता है कि अब उनकी टीम जरूर जीतेगी क्योंकि अब वो अकेले ही अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सारे पोस्ट को एक साथ जीत लेगा और इस गेम को यहीं पर खत्म कर देगा।
जैसे ही वॉन्गलिंग अपनी पावर का यूज करने ही वाला था, सुनरोंग अपनी सभी मेंबर को कॉन्टेक्ट करती है और बताती है कि अभी अभी गाओ अपनी करंट पोस्ट से हार चुका है। ये सुनकर वो चारों बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि गाओ अपनी पोस्ट तक की देखभाल नहीं कर सका। यहाँ सुनरोंग सभी को शांत करती और बताती है कि अब उन्हें एक साथ सभी पोस्ट पर अटैक करना चाहिए और तब तक उन जगहों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा जब तक वो जीत ना जाए। गाओ कहता है कि वो भी इसमें हेल्प करना चाहता है क्योंकि अभी तक गेम के किसी भी पार्ट में उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, जिसके लिए सुनरोंग मान जाती और गाओ के साथ एक पोस्ट पर अटैक करने जाती है, जहां अपने प्लान के हिसाब से गाओ उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ करेगा और सुनरोंग तब तक उस पोस्ट को जीत लेगी। उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था कि तभी गाओ गलती से सुनरोंग पर ही अपने शॉर्ट स्पेल का यूज कर देता है, जिससे उस मेंबर को सुनरोंग के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी पोस्ट को बचाने के लिए अंदर भागने लगता है। सुनरोंग कोशिश करती है कि वो उससे पहले ही उस पोस्ट पर अपनी शॉर्ट लगा सके। गाओ भी सुनरोंग का साथ देने के लिए उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। यहीं पर अचानक से लैंग भी आ जाता है, जो अपनी पार्टनर पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो एक पोस्ट का ख्याल भी नहीं रख पाया है। सुनरोंग अभी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उस पोस्ट पर अपनी शॉर्ट लगा पाए, लेकिन काफी देर हो जाती है क्योंकि लिंक की शॉर्ट स्पिरिट वहां पर आकर सुनरोंग की शॉर्ट को तोड़ने लगती है। इतना कुछ देखने के बाद सुनरोंग के मन में ख्याल आता है कि उन्हें अब हार मान लेना चाहिए, लेकिन गाओ वहां पर उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाता है और उसे बताता है कि इस पोस्ट को जीतना उनके लिए कितना जरूरी है। सुनरोंग भी गाओ की बात सुनकर काफी मोटिवेटेड फील करती है। और वहीं इधर चाओ जिस पोस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहां पर वो फेक फैंग आती है जो अपने डार्क स्पेल से चाओ को काफी नुकसान दे रही थी, लेकिन चाओ भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो इतने सारे अटैक खाने के बाद भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी मेंटल स्पिरिट तोड़ने के लिए फैंग उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन चाओ उसकी किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। इस सबसे परेशान होकर अब फैंग उसके ऊपर अपने एक से एक खतरनाक और पावरफुल अटैक से हमला करता है। दूसरी तरफ सुनरोंग और गाओ अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद भी लिंक से नहीं जीत पा रहे थे, इसीलिए सुनरोंग गाओ को पीछे हटने के लिए बोलती है क्योंकि उसके मन में अभी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया था। गाओ तुरंत पीछे हट जाता और सुनरोंग अपनी स्वॉर्ड के साथ अकेले ही लिंक की स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ लड़ने लगती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि स्पिरिट के सामने टिक नहीं पाती। मगर यहीं हम गाओ को देखते हैं जिसने सुनरोंग की स्पिरिट एनर्जी का यूज करके एक न्यू स्पेल क्रिएट किया था, जिसे देखकर लिंक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लिंक की स्वॉर्ड स्पिरिट जैसे ही उस स्पेल को टच करती है तो वो अपने आप ही खत्म हो जाती है और वहां पर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है। इसके साथ ही सुनरोंग उस पोस्ट को जीत लेती है। चाओ भी अब पूरी तरह से थक चुका था और अब फैंग उसे इग्नोर करते हुए उसकी पोस्ट के पास जाने लगता है, मगर चाओ अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो फैंग को रोक के रख सके, लेकिन फैंग चाओ के फेस पर काफी बार किक करता है और उसे दूर फेंक देता है वहां से। चाओ जमीन पर पड़े पड़े बस यही सोच रहा था कि उसने अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के काम आने लायक एक भी काम नहीं किया है, और शायद उसकी यही सोच उसे एक नई पावर्स को जगाने में मदद करती है। जैसे ही फैंग उस पोस्ट को हाथ लगाने वाला था, चाओ अपनी न्यू पावर से फैंग की खूब पिटाई करता है और अपनी एक एक चोट का हिसाब उससे लेता है। इतनी मार खाने के बाद फैंग का गुस्सा बढ़ गया था और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता और चाओ पर झपट पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है वॉन्गलिंग की तरफ, जिसने एक एक करके सभी पोस्ट को जीत लिया था और सिर्फ अब एक लास्ट पोस्ट बाकी था, जहां अपनी शॉट लगाते ही वो लोग इस गेम को जीत जाएंगे। मगर वॉन्गलिंग ये लास्ट शॉट को डालते हुए काफी घबरा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जीत की एक्साइटमेंट में वो अपनी पावर को कंट्रोल भी ना कर सके। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो जीतना भी चाहता है। तभी सुनरोंग वहां पर आकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे देखते ही वॉन्गलिंग एक स्माइल करता और उस पोस्ट को जीत लेता है। ये पोस्ट जीतते ही वॉन्गलिंग की टीम अब पूरा गेम भी जीत चुकी थी, जिसकी खुशी से पूरा स्कूल सारे टीचर मस्ती में झूम रहे थे। यहाँ वॉन्गलिंग भी काफी खुश था क्योंकि सुनरोंग की हेल्प से वो अब अपनी पावर को फर्स्ट टाइम कंट्रोल कर पाया है। यहाँ पर सुनरोंग मौका देखते ही जैसे वॉन्गलिंग को हग करने जाती है कि तभी लुयान पीछे से आकर सुनरोंग पर अटैक करती है, जिससे सुनरोंग की आत्मा उसके बॉडी से अलग हो जाती है। वॉन्गलिंग उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनरोंग की यह हालत देखकर वॉन्गलिंग का गुस्सा और उसकी स्पिरिट एनर्जी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसका गुस्सा इतना भयानक और भयंकर था कि आसपास और पूरा मौसम भी बिल्कुल लाल हो चुका है, और मानो कि अब वो बस लुयान को जान से ही मार देगा। वॉन्गलिंग का ये गुस्सा देखकर डॉग वहां पर आता है, जो टाइम और स्पेस को रोक देता है क्योंकि वो जानता है कि वॉन्गलिंग का गुस्सा इस वक्त पूरी धरती को खत्म करने के लिए काफी है। और ये सच भी था क्योंकि वॉन्गलिंग अपना बदला लेने के लिए टाइम को रीस्टार्ट कर देता है। और टाइम शुरू होते ही हमें देखने को मिलती है इस एनिमे की सबसे भयंकर लड़ाई, जहां पर वॉन्गलिंग आसपास की किसी भी चीज की परवाह किए बिना ही सिर्फ तबाही के बारे में सोच रहा होता है।
वो लुयान को इतना मारता है कि उसकी जान बस जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसे सुन रॉन्ग की शकल याद आती है और वो अपने गुस्से को शांत करके लुयान को जिंदा छोड़ देता है और वो सुन रॉन्ग की बॉडी के पास जाकर उसे जिंदा करने की पूरी कोशिश करता है जो कि हो नहीं पाता है। तभी डॉग वहां पर आता है जो बताता है कि काफी अब देर हो चुकी है, इसीलिए अब सुन रॉन्ग को वापस जिंदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि किसी तरह से वांगलिंग अपनी पावर का यूज करके एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करे जहां पर ये सभी इंसिडेंट कभी हुए ही ना हो। लेकिन ऐसा करने से वांगलिंग अपनी सारी पावर को खो देगा, इसीलिए आगे का फैसला सिर्फ उसका है। वांगलिंग बिना दोबारा सोचे ही अपनी पूरी पावर को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉग भी इसमें हेल्प करने के लिए उसके साथ मर्ज हो गया था और वहां पर एक तेज रोशनी के साथ वांगलिंग एक पोर्टल ओपन करता है जिसके सहारे वो एक न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और ये तब का टाइम था जब वो वहां पर फर्स्ट टाइम स्कूल में आया था जहां पर उसे कुछ सीनियर ने परेशान करने की कोशिश की थी। वांगलिंग को लगता है कि यहाँ पर सुन रॉन्ग उसकी हेल्प करने के लिए आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं और सुन रॉन्ग की जगह गाओ और चाओ उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। बदले में वांगलिंग जब उन्हें एक 10 का नोट देता है तब उसे याद आता है कि नोट तो उसे सुन रॉन्ग को देना था और वो यहाँ पर इस वर्ल्ड में ना जाने अब कहाँ होगी। क्लास में बैठे हुए एक लड़की को देखकर वांगलिंग को सुन रॉन्ग की याद आती है, इसीलिए वो बहुत जोर से उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन वो लड़की कोई और ही होती है। और स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसे फिर से एक लड़की में सुन रॉन्ग दिखती है, लेकिन वो लड़की भी सुन रॉन्ग नहीं होती। यहाँ रियल वर्ल्ड में सुन रॉन्ग की आत्मा हेल में जाती है। जैसे ही हेल की रानी सुन रॉन्ग को देखती है जो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सुन रॉन्ग वांगलिंग की दोस्त है और इस लड़की के चक्कर में वांगलिंग ने एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए वो रानी डिसाइड करती है कि वो सुन रॉन्ग को फिर से एक नई जिंदगी देगी, लेकिन उसे वांगलिंग को कुछ भी करके रोकना होगा। सुन रॉन्ग भी इसके लिए मान जाती और वापस अर्थ पे आने के बाद वांगलिंग की स्पिरिट उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसे जिंदा करने के लिए वांगलिंग ने एक नए वर्ल्ड को बना दिया और अगर वांगलिंग जल्द से जल्द वहां से वापस नहीं आता है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सुन रॉन्ग वांगलिंग को बचाने के लिए मान जाती है और उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ न्यू वर्ल्ड में एक पोर्टल ओपन करती है। उस न्यू वर्ल्ड में वांगलिंग अभी उसी जायंट व्हील पर होता है जहां पर वो सुन रॉन्ग के साथ गया था, लेकिन इस बार उसके साथ सुन रॉन्ग नहीं बल्कि चाओ और गाओ होते हैं। वांगलिंग वहीं पर बैठे बैठे बहुत रोने लगता है कि तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जहां से सुन रॉन्ग उसके सामने आती है और उसे वापस लाने के लिए अपना हाथ आगे करती है। वांगलिंग भी पहले थोड़ी हिचकिचाता है, लेकिन चाओ और गाओ उसका हौसला बढ़ाते हैं, जिसके बाद वांगलिंग भी सुन रॉन्ग का हाथ पकड़ करके वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में वो अपने करंट टाइम से थोड़ा पहले समन होते हैं जब चाओ लुयान से लड़ रहा था, और जहां लुयान अपने रियल फॉर्म में आकर चाओ को मारने ही वाली थी तभी वांगलिंग लुयान को वहीं पर हरा देता है ताकि इस बार फ्यूचर अलग हो। और ऐसा करने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उस पोस्ट पर लगा देता और उनकी टीम इस बार भी जीत जाती है। बस फर्क ये होता है कि इस बार सुन रॉन्ग वांगलिंग के साथ जिंदा थी। सारी चीजें हो जाने के बाद वांगलिंग सबको बताता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अपनी सारी पावर खो दी है, इसीलिए वो डॉग से हेल्प मांगता है कि वो उस न्यू वर्ल्ड को एग्जिस्टेंस से मिटा सके। डॉग बताता है कि वो ऐसा कर तो देगा, लेकिन ऐसा करने से सुन रॉन्ग वांगलिंग की सारी पावर और इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाएगी। सुन रॉन्ग ये सुनने के बाद बताती है कि अगर उसकी याददाश्त के बदले ये दुनिया बच सकती है तो ये एक बहुत ही अच्छी डील होगी। सुन रॉन्ग का ये सैक्रिफाइस सुनने के बाद वांगलिंग उसे वादा करता है कि वो उसे फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करता रहेगा चाहे वो कहीं भी क्यों ना चली जाए। इसके बाद डॉग अपनी पावर का यूज करता है और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और ये गेम भी खत्म हो चुका था। वांगलिंग की टीम जीत चुकी थी और वो डॉग के साथ एक कोने में बैठकर अपनी पूरी जर्नी को याद कर रहा था। तभी वांगलिंग के डैड वहां पर आते हैं जिसके हाथ में न्यू नई सील थी। वो उस सील को वांगलिंग के ऊपर लगा देते हैं और सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल होने लगता है। और इसी के साथ ये सीजन और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।